हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में। 62nd फिल्म फेयर अवार्ड यानी कि 62वां फिल्म फेयर अवार्ड्स आज होने वाला है और कहीं ना कहीं नॉमिनेशंस के हिसाब से नॉमिनेशन लिस्ट मेरे पास है और किस तरह से अवार्ड होने वाला है, किस तरह की चीज़ें होंगी वो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं नॉमिनेशंस के कौन कौन है लिस्ट में। सबसे पहले बेस्ट आई थिंक फिल्म का नॉमिनेशंस की बात करता हूँ और ये लिस्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ बेस्ट फिल्म की, जिसमें आप देख सकते हैं दंगल सबसे पहले नंबर पे है और दंगल के बाद कपूर एंड सन्स, निर्जा, पिंक, सुल्तान और एक और मूवी है जो लिस्ट में नहीं दिख रही, वो है उड़ता पंजाब। यानी कि 6 फिल्मों की नॉमिनेशंस में नाम आए हैं बेस्ट फिल्म के। मैं अब यहाँ सवाल मेरे पास ये है कि इन 6 फिल्मों के नाम आए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इन फिल्मों के नॉमिनेशन में शिवाय का नाम क्यों नहीं आया? मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है क्यों शिवाय फिल्म का नाम नहीं आया। मैं मानता हूँ कि दंगल फिल्म बहुत ही बढ़िया है, कपूर एंड सन्स बढ़िया है, निर्जा बढ़िया है, पिंक बढ़िया है, सुल्तान और साथ ही साथ उड़ता पंजाब एक और फिल्म है वो भी बढ़िया है, बट शिवाय को नॉमिनेट नहीं किया गया वो मुझे कहीं ना कहीं बात खली है। और इस फिल्म में आई थिंक इस लिस्ट में एदिल हम मुश्किल को भी नॉमिनेट किया जा सकता था, बट देन लेट्स सी किस तरह की चीज़ें सामने आती है। बट इन सब फिल्मों के नाम अगर सामने दिख रहे हैं तो मुझे लग रहा है बेस्ट फिल्म अगर कोई लेके जाएगी तो मुझे लग रहा है दंगल ही लेके जाएगी, नो डाउट। अब दूसरे लिस्ट के पास चलते हैं हम, जो दूसरी लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है नॉमिनेशंस की 2017 के, वो है बेस्ट डायरेक्टर। तो बेस्ट डायरेक्टर की जो नॉमिनेशन लिस्ट है, सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो आ रहा है अभिषेक चौबे उड़ता पंजाब। जी हाँ, अभिषेक चौबे पूरे हकदार है, अगर ये फिल्म उनको मिली तो कोई बुरा नहीं होगा, मतलब इस बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस बार। उड़ता पंजाब बहुत ही सही है, सोशल इशू पे बेस्ड है, सुल्तान अली अब्बास जफर भाई बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है, आपने लास्ट तक पकड़ के रखा ऑडियंस को और सीट से उठे नहीं दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करण जौहर, एदिल है मुश्किल, जी हाँ इनका हक बनता है यहाँ पे, नितेश तिवारी दंगल, राम माधवानी निर्जा, उसके बाद एक और नाम है शकुन बत्रा कपूर एंड सन्स। यहाँ पे भी आप देखोगे तो शिवाय का नाम इंक्लूड नहीं किया, चलिए ठीक है वो बेस्ट फिल्म था तो आपने इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है, बट यहाँ पे आपने अगर एदिल है मुश्किल का नाम इंक्लूड किया है तो शिवाय का नाम इंक्लूड करना चाहिए था। और मुझे नहीं लगता है कि अजय देवगन का डायरेक्शन खराब था या अजीब था, बहुत बढ़िया डायरेक्शन था, एक्शन कोर फिल्म थी, तो यहाँ पे भी शिवाय के साथ कुछ सही चीज तरह से चीज़ें नहीं की गई हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और एक जो लिस्ट है वो बता देता हूँ, मेन लिस्ट बेस्ट एक्टर की लिस्ट है, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल। अब चलिए ठीक है, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल में दंगल में आमिर खान और बिल्कुल हक है अमिताभ बच्चन जी को पिंक के लिए, रणबीर कपूर सही है, अदिल है मशहूर, सलमान खान और सुल्तान के लिए शाहरुख खान, फैन के लिए एक और दो नाम है इसमें, सुशांत सिंह राजपूत का नाम है जो MS धोनी फिल्म में नजर आए थे और साथ ही साथ शाहिद कपूर का नाम है जो नहीं दिख रहा है आपको इधर फिलहाल उड़ता पंजाब के लिए। तो 3 4 5 6 7 7 नाम अगर शामिल हो गए, यहाँ पे भी शिवाय को एकदम हटा ही दिया है यानी कि अजय देवगन के नाम को, तो आपने देखा तीनों कैटेगरी में नाम नहीं है शिवाय का कहीं भी। और बेस्ट एक्टिंग लीडिंग रोल फीमेल, ऐश्वर्या बच्चन, सरबजीत, जी हाँ बिल्कुल सही नाम है ऐश्वर्या, आलिया भट्ट का दो दो नॉमिनेशन है डियर जिंदगी उड़ता पंजाब के लिए, मैं कहूँगा दोनों में बहुत बढ़िया रोल था, किसी भी फिल्म के लिए अगर इन्हें अगर अवार्ड मिलता है तो कोई गलत नहीं होगा। और आलिया भट्ट ही इस बार अवार्ड लेके जाएगी ऐसा मुझे पता नहीं क्यों यकीन हो रहा है बार बार। और अनुष्का शर्मा, आदिल है मुश्किल, अच्छा रोल था उनका, सोनम कपूर ने जब बहुत बढ़िया था विद्या बालन कहानी 2, जी हाँ उनका भी बहुत अच्छा रोल निभाया था उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये जो लिस्ट आप देख रहे हो, कई सारी लिस्ट में कई सारी चीज़ें आपको सामने नजर आती होंगी। और साथ ही मैं लेके चलता हूँ आपको एक और लिस्ट की तरफ, वो है बेस्ट एक्टिंग सपोर्टिंग रोल। इसमें आपको दिलजीत दोसांझ, जी हाँ दिलजीत दोसांझ जी भाई, मैं दिल जीत लिया था, और फवाद खान का पोजीशन बहुत अच्छा रोल था, जिम सराफ बहुत ही सही बंदा है भाई ये, जिम सराफ बहुत अच्छा एक्टर है, आप कभी इसके थिएटर एक्ट देखना। कपूर सन्स के लिए रजत कपूर, जी हाँ बिल्कुल बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रोल। राजकुमार राव अलीगढ़, मैंने पता नहीं यार मैंने फिल्म नहीं देखी यार, बट स्टिल राजकुमार राव का नाम है तो अच्छा ही रोल होगा। और ऋषि कपूर कपूर एंड सन्स के लिए, तो इनमें से अगर किसी को जीतने को, अगर मुझे मेरे हिसाब जितने मैं रोल्स देखा हूँ, जिम सराफ बहुत ही अच्छे कंटेंडर हैं,
और नए एज एन एक्टर है तो उन्हें जिता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक्टिंग भी उनकी बढ़िया है, ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ। बेस्ट एक्ट्रेस एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल, करीना कपूर खान उड़ता पंजाब, बहुत ही इंटेंस और सिंपल रोल था। कीर्ति कुल्हारी ने तो रोने पर मजबूर कर दिया था पिंक के लिए। और रत्ना पाठक, शाह कपूर एंड सन्स, ओके, रिचो चड्ढा, सुरभजीत और शबाना आजमी, निर्जा, बहुत इमोशनल रोल था निर्जा में शबाना आजमी जी का, जो माँ बनी थी सोनम कपूर की, तो ये बहुत अच्छा था। और अब आ रहा है बेस्ट म्यूजिक एल्बम। बेस्ट म्यूजिक एल्बम में अगर बात करें तो विशाल शेखर सुल्तान के लिए, अमित त्रिवेदी उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब भाई म्यूजिक के मामले में तो भाई कड़क था एकदम, बहुत सही था। बाकी सब अच्छे हैं बट उड़ता पंजाब का अलग ही लेवल था भाई। मीर दोस्त अमाल मलिक, तिवारी बागी, इनका मुश्किल है फिलहाल। प्रीतम ऐदिला मुश्किल, शायद मिल सकता है प्रीतम को भी। शंकर एहसान, मिर्ज़िया, मिर्ज़िया क्या म्यूज़िक बहुत बढ़िया था, फिल्म शायद शायद चली ना हो, म्यूज़िक बहुत अच्छा था, ये भी कंटेंडर है बहुत स्ट्रॉन्ग। और एक और है जो लिस्ट में नहीं दिख रहे, वो है अमाल मलिक, बादशाह, अरको, तानिका, भागा बैनी, दयालन, न्यूक्लियस, कपूर एंड सन्स के लिए। तो कोई भी लिस्ट में शिवाय का नाम मुझे तो अभी तक नहीं दिखा। ये आ रहे लिरिक्स की बातें, बेस्ट लिरिसिस्ट और मिर्ज़िया के दो दो नॉमिनेशन है। आवे रे हिचकी सही है, मिर्ज़िया टाइटल सॉन्ग था गुलजार जी का, ये नहीं मिलेगा मुझे लग रहा है। अमिताभ भट्टाचार्य, चन्ना मेरिया, अरे माय गॉड, ये भी जीत सकते हैं क्योंकि चन्ना मेरिया सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ है इस साल का, मतलब बेस्ट सॉन्ग है। जग घूमिया, ओहो, इरशाद कामिल, जनाब आपने तो बहुत जग घुमा दिया। सलमान खान ने बहुत अच्छा डांस स्टेप किया था आपके गाने पर, लव यू जिंदगी, डियर जिंदगी, कौसुम मुनीर, बहुत अच्छा है इनका भी गाना लव यू जिंदगी, मुझे अच्छा लगा। लेट शिव कुमार बटालवी, अच्छा उनका है एक कुड़ी, उड़ता पंजाब, एक कुड़ी भी बहुत अच्छा सॉफ्ट सॉन्ग था, मैं दिल को तो छुआ था, तो मैं तो कहूँगा ज़रूर अच्छा है। अभी एक और लिस्ट है मेरे पास, वह है बेस्ट फीम प्लेबैक सिंगर। बेस्ट प्लेबैक सिंगर के बारे में अगर बात की जाए मेल की, तो बुल्लिया सॉन्ग है ए दिल है मुश्किल का, अमित मिश्रा, बुल्लिया अच्छा बना था, अरिजीत सिंह, ए दिल है मुश्किल, भाई आपने तो दिल्ली खुश कर दिया, अरिजीत सिंह, चन्ना मेरिया, ओहो, आतिफ असलम, तेरे संग यारा, जनाब बहुत अच्छा आपने गाया था रुस्तम के लिए, सुल्तान, जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, ये गाना रिप्लेस हुआ था, नहीं तो अरिजीत सिंह का एक और नॉमिनेशन होता जहाँ पे राहत फतेह अली खान का है। सिंगर सब अच्छे हैं, और अगर यहाँ पे चन्ना मेरिया के लिए अरिजीत सिंह को जिताया तो भी मुझे तकलीफ नहीं होगी, राहत अली फतेह अली खान को भी जिताया जग घूमिया के लिए मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। और आतिफ असलम ने बहुत अच्छा गाना गाया था तेरे संग यारा, तो लेट्स सी क्या चीज़ें सामने आती है। और एक लास्ट लिस्ट है प्ले बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल की, और इस लिस्ट में आपको कुछ नाम जो नहीं दिखते हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो कनिका कपूर है, डाडा दर्द से, पता नहीं है मेरे को बोलने को जम रहा है, गाना था बहुत प्यारा उड़ता पंजाब में। और जोनीता गांधी है सेकेंड नंबर पे जो मैं दिखा रहा हूँ, ये है ब्रेकअप सॉन्ग ए दिल मुश्किल। नीति मोहन है सौ आसमां बार बार देखो, सही है, नीति मोहन भी जीत सकती है। और नेहा भसीन है जग घूमिया, फीमेल वर्जन था गाया था, अच्छा है। पलक मुंचाल कौन तुझे, बहुत अच्छा था, एम एस धोनी का सॉन्ग, दिशा पटेल पर फिल्माया गया था। और एक है कुदरत उल अली बलोच जी, करी करी पिंक, करी करी सॉन्ग था उसमें, एक ही शायद गाना था वो गाया पिंक में, तो वो गाना गाया था कुदरत उल बलोच, सॉरी मैं गलत नाम अगर ले रहा हूँ। तो ये कुछ नॉमिनेशंस हैं, मेन नॉमिनेशंस जो मैंने आपको बता दिए हैं इस फिल्म फेयर अवार्ड्स के। और मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि शिवाय मूवी का नाम किसी लिस्ट में शामिल नहीं था, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। 100 करोड़ के ऊपर फिल्म कमाई थी, पब्लिक को बहुत पसंद आई थी, ऑडियंस को पसंद आई थी, और तकलीफ़ होती है क्योंकि फिल्म में फ़ैन हूँ मैं, बॉलीवुड फिल्में देखता हूँ, और बिल्कुल तकलीफ़ होगी क्योंकि शिवाय का जिस तरह से जिस लेवल पे लेके गए थे फिल्म, जिस जिस अंदाज़ में शूटिंग हुई थी, जिस तरह से मेहनत हुई थी, तो उस हिसाब से शिवाय का नाम मिसिंग है इस लिस्ट में। और कई सारी इंपॉर्टेंट फिल्म थी भाई, यही फिल्म नहीं थी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फिल्म थी जिसका नाम मिसिंग लग रहा है इस लिस्ट में। आप देखोगे तो ज़्यादातर मेन स्ट्रीम फिल्मों का ही नाम है, बहुत सारी अलग अलग हटके फिल्में बनी है इस साल जो बहुत बढ़िया चली है, उनमें से किसी का नाम ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब फिल्म फेयर अवार्ड्स का मुझे इसलिए पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता यार, आप ना ऐसी फिल्मों को नहीं पकड़ते हो जो बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा कनेक्टेड होती है लोगों से, और ज़्यादा इमोशनल होती है। आप ज़्यादातर मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा वाली फिल्में पकड़ते हो, बट कहीं ना कहीं लिस्ट मुझे अच्छी लगी लेकिन शिवाय का नाम नहीं आया तो मुझे वो सबसे बुरी चीज़ लगी। तो ये कुछ लिस्ट थी, ये चीज़ें जो आपको मैंने बताई,
आई होप आपको पसंद आएगा। आपको क्या लगता है किस तरह से ये लिस्ट है, आपको सही लगती है या नहीं, और बेस्ट फिल्म या बेस्ट एक्टर या कोई भी अवार्ड कौन जीतेगा?